तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ इजिकली क्या होता है कि कोई एक करंट एलिमेंट के लिए किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो इसके बारे में जाना जाता है बायोट-सावर्ट लॉ से। तो हमने यह मान लिया एक वायर, इलेक्ट्रिक वायर है, यहाँ से करंट आई पास हो रहा है। तो इसके कोई भी करंट एलिमेंट ले लिया, ये वाला हिस्सा ले लिया, तो इसके लिए किसी भी पॉइंट पी पे तो यह पॉइंट पी पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये कैसे हम डिराइव करेंगे कि करंट एलिमेंट आई, ये स्मॉल एलिमेंट हो गया, तो यह करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडियल। तो यहाँ से एक हमने क्या क्या डिस्टेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जो जिसका जिसे लेंथ होगा आर, और एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया इसी पॉइंट पे। टेंजेंट के साथ ये लाइन कितना एंगल कर रहा है, थीटा कर रहा है, मान लिया। तो बायोट-सावर्ट, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, हम लोगों के जो स्मॉल डी आई डी एल करंट एलिमेंट के लिए एट द पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट दैट इज आई डी एल। ओके, अगेन बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि जो एंगल है थीटा, तो उसके भी साइन एंगल के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यह क्या होगा, साइन ऑफ थीटा, और हम ये भी लिख सकते हैं डी बी इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा व्हेन थीटा वेरी स्मॉल। और एक डिपेंडेंस होता है डी बी कहा आर पे, आर पे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसका स्क्वायर का, आर का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी बी। सो हम ये लिख सकते हैं कि डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम पहले से ही जानते हैं प्रोपोर्शनल की जगह अगर हमको इक्वल साइन देना देता हो, तो हमें यह क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा यह। तो क्या होगा, k स्क्वायर, k इज अ कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू होगा 1, क्या कहाँ पर, इन सी जी एस यूनिट, और k का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इन का होगा एस आई यूनिट। ठीक है, तो इन ऐसा यूनिट ही लिखूंगा। सो हैंस इन एस आई यूनिट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर यही एक्सप्रेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या हम क्या लिख सकेंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यह साइन थीटा है, तो इसीलिए हमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से पता ही चलता है कि ये क्रॉस सेक्शन वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यह क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो और ये तो वेक्टर फॉर्म में ही है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब वेक्टर। तो ये होगा बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म।